Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? सो आई एम बैक हेयर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप ऑफ माई एग्जाम्स और फाइनली वो ख़त्म हो गए हैं. तो अब मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू वीडियोज़ डालती रहूँगी. आज की वीडियो में मैं बहुत ही ईजी सा हेयर स्टाइल आप लोगों को बताऊँगी जो आप आराम से कहीं भी बना के जा सकते हैं, ये ओकेजनली भी और पार्टी लुक और जो नॉर्मली हम लोग कहीं जा रहे होते हैं गो टू लुक जो होता है वो, और जो है ओकेजनली आप किसी वेडिंग सेरेमनी में, किसी पार्टी में, किसी गेट टुगेदर में, किसी भी जगह पे इसको आराम से और इजीली और बहुत जल्दी इन जस्ट 5 मिनट्स आप लोग बना के और आराम से कहीं भी जा सकते हैं. तो इसके अंदर हम जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसमें फ्रेंच ब्रेड का लुक आएगा, लेकिन वो फ्रेंच ब्रेड हम बनाएंगे नहीं. हम फ्रेंच ब्रेड में जो है वो बालों के 3 पोर्शंस करते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ बालों के 2 पोर्शंस करेंगे और उनको आपस में क्रिस क्रॉस की तरह मतलब वन साइड पे एक पोर्शन, दूसरे साइड पे दूसरा पोर्शन कर देंगे. इसी तरीके से हम आगे जाते रहेंगे और दूसरे दूसरे पोर्शंस लेते रहेंगे अलग अलग साइड्स पे. जैसे हम फ्रेंच ब्रेड बनाते हैं लेकिन उसमें 3 हम स्ट्रैप्स लेते हैं ना बालों के, इसमें सिर्फ 2 स्ट्रैप्स लेंगे. तो इस तरीके से हम लोग क्रिस क्रॉस मैनर में बालों को लेके जाते रहेंगे और जो नया पोर्शन होगा वो हमेशा ऊपर वाली साइड पर होगा, जो पुराना पोर्शन होगा वो हमेशा नीचे वाली साइड पर होगा. तो जो साइड लुक था वो आप लोगों को पता नहीं समझ में आया नहीं आया, तो इसमें मैंने फ्रंट लुक भी बना के दिखाया. तो आप इस में देखें और जो अगर समझ में ना आए तो कमेंट करें, और अगर समझ में आ जाए और अच्छा लगे और ट्राई करें तो भी कमेंट करें. अब इस तरीके से आप ब्रेड बना के आप इसमें कोई फैंसी सा क्लिप लगा सकते हैं, आप कोई केचर लगा सकते हैं, कोई बीट लगा सकते हैं, जस्ट बॉबी पिन्स लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं. ये इट्स अप टू यू एंड इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द फंक्शन और इवेंट विच यू आर गोइंग. अब जो साइड्स के पोर्शन हैं इसमें मैंने दो ट्विस्टर्स बनाए हैं ना. तो आप लोग अगर आप लोग के बहुत थिक बाल हैं और ट्विस्टर्स अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जिनके बहुत थिक बाल होते हैं ना उनके ऊपर साइड ट्विस्टर्स जो होते हैं वो अच्छे नहीं लगते, ये मेरा ओपिनियन, आप लोगों का जो भी हो तो आप लोग भी शेयर करें. तो जिनके थिक बाल हैं वो साइड से भी इसी तरीके से क्रिस क्रॉस मैनर्स में ले जाके ब्रेड्स बना सकते हैं, और जिनको ज़्यादा जल्दी हो, जल्दी जल्दी में जाना हो कहीं, तो आप साइड पे ऐसे ट्विस्ट बना के भी जा सकते हैं. तो ये मैंने दोनों साइड पे ट्विस्ट बना दी हैं और मैंने छोटे छोटे कैचर्स लगा दी हैं ऊपर. अब मैंने ये पांचों जो पोर्शंस बन गए हैं पीछे बालों के उसमें मैंने पहले अलग अलग लगाए थे, फिर मैंने एक पोर्शन जो ब्रेड वाला फर्स्ट वाला ऊपर वाला पोर्शन था उसका मैंने एक के जो बना दिया, और जो दूसरे दो ट्विस्टेस थे फिर मैंने उन दोनों को एक ही लाइन में दोनों को दो कैचर्स लगा दिए. इस तरीके से आप लोग अगर आप लोग चाहें तो पाँचों को एक साथ लगा सकते हैं, कोई पाँचों को लेके कोई पिन लगा सकते हैं, या फिर पाँचों को बॉबी पिन से सही करके बॉबी पिन से लगा के और फिर आप वहाँ पर पोनी बना सकते हैं और या फिर जूड़ा बना सकते हैं, कोई भी आप दे सकते हैं जिस इवेंट भी आप लोग जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, या फिर आपको जो भी लुक पसंद है उस पर. और आप चाहें तो आगे से जो है वो 2-3 बालों की लटे भी निकाल सकते हैं इफ़ यू वांट. मैंने ये डमी लिए है ये जान करके थोड़े थिन बालों के लिए, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो थिन बालों में ही होती है कि हम क्या बनाएं और कैसा लुक दें और किस तरीके से जाएं. ज़्यादातर तो फिर वो जो जिनके थिन बाल होते हैं वो खोल के जाते हैं. तो फिर ऐसे कोई हेयर स्टाइल्स इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम सीखें, ताकि हम आराम से कहीं भी डिफरेंट डिफरेंट लुक्स और स्टाइल्स के साथ जा सकें. सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो कर ही दें, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं न्यू वीडियोज़ के लिए. सो अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपको शो भी होंगे और नोटिफिकेशन बार पे भी आपको नज़र आएंगे वो वीडियोज़. तो जब तक के लिए बाय और टेक केयर और अल्लाह हाफिज़.